ऊना के उपमंडल अम में कुछ दिन पहले हुई दो समुदाय के बीच लड़ाई का मामला अब सड़कों पर आ गया है। हिंदू समुदाय के लोगों ने ऊना में इस मामले को लेकर रोष प्रदर्शन किया और पुलिस को एक मांग पत्र सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऊना के उपमंडल अम में कुछ दिन पहले हुई दो समुदायों के बीच लड़ाई का मामला अब सड़कों पर आ गया है। हिंदू समुदाय के लोगों ने आज ऊना में इस मामले को लेकर रोष प्रदर्शन किया और पुलिस को एक मांग पत्र सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़के का पिता राजस्थान में बॉर्डर पर तैनात है। सैनिक के बेटे की माने तो एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जान से मारने की धमकी और सोशल मीडिया पर भी समुदाय को लेकर खूब गुबार निकाला जा रहा है। सैनिक के बेटे ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर पर हमला किया है, जिस कारण उन्हें अपनी जान की सुरक्षा को लेकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। सैनिक के बेटे की माने तो अगर इस मामले में उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री तक जाएंगे। ऐसे है कि हमारी खेल के दौरान मेरी कुछ मुस्लिम मारोदर के जो लड़के हैं उनके साथ थोड़ी कहा सुनी हो गई थी, तो उन्होंने बाद में क्या किया, जैसी कहा सुनी के बाद उन्होंने मुझे मारने के लिए वहां पे बाहर से लड़के बुला लिए, जो कि नौ दस लड़के थे उनके पास तरह तरह के हथियार थे, और वो सारे हथियार लेके उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, और वो सब कुछ लेके जो मेरे साथ मेरा दोस्त था उसके घर के बाहर पहुंच गए, और वहां पे जाकर उन्होंने उसकी माँ को डराया और धमकाया। मैं किसी भी ये जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, पर जो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से सभी के ऊपर एक थब्बा लगता है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चाहता हूँ। और इन्होंने मेरे को पूरी जान से मारने की धमकी दी, हमारे पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे हिंदू समाज को खत्म करने की बात की है, तो मैं इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। अगर आज मेरी यहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो मैं ये मामला नरेंद्र मोदी तक लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे पापा बॉर्डर पे खड़े हैं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, और मेरी माँ इस घर में सुरक्षित नहीं है, तो मैं कार्रवाई चाहता हूँ, मुझे जस्टिस चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे समाज में भाईचारे को एक दूसरे से अलग किया है, मुझे बस इंसाफ चाहिए, मैं यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आया हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ वार्तालाप किया है, जो गाली गलौज किया है, जो जान से मारने की धमकी दी है, जो हमें फूकने की बात की है, वो मेरे पास एक एक बात रिकॉर्डिंग में है, और इन्होंने ये तक किया हमारे साथ सियासत के लिए। एक तरफ हमारे भाई इस मामले में हिंदू संगठन भी उतर आया है, उन्होंने भी इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये दो समुदायों के लड़कों के बीच मामूली सा एक विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, जिसके बीच में पंचायत ने समझौता करवा दिया था, उसके बावजूद इनको अब भी जान से मारने की धमकियां, लड़कों को इनके ऊपर केस भी करवा दिया गया है, तो इनके घरों में हथियार लेकर दूसरे समुदाय के लोग जो है वो घुसे हैं, ये उसके विरोध में है। उन्होंने हिंदू समाज के ब्राह्मण दलित और जाट भाइयों को बहुत ही अभद्र गालियां दी है, ये उसके विरोध में ये प्रदर्शन है, सभी जातियों को उन्होंने गालियां दी है बहुत अभद्र। हम चाहते हैं कि जो लोग बाहर से आकर हथियार लेकर इनके घरों में घुसे हैं उनके ऊपर केस दर्ज हो, और जिन लोगों ने गालियां निकाली हैं उनके ऊपर SC ST एक्ट की धारा से केस दर्ज हो, और इन लड़कों को इंसाफ मिले। पुलिस ने भी इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पुलिस की माने तो दो समुदायों के बीच लड़ाई का मामले को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और उन्होंने इस पर उचित कार्रवाई किए जाने की बात की है। सर, एक डेलीगेट जो है आज आपसे मिला है, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई? हाँ, एक डेलीगेशन थाना क्षेत्र पांच से आज लेने आया था, कुछ मार्केट टाइप का मसला था लड़कों के बीच में, जिस संबंध में उन्होंने SP साहब को एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें पुलिस ने आगे कार्रवाई की थी, यानी ऐसे जो हमको कंप्लेंट भेज दी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।